A Maharashtra minister who went to pay a surprise visit to a school for challenged children in near Nagpur was in for a big shock as he was told that all of the 80 mentally challenged children of that school and all 25 people from their teaching and support staff were on leave. Clearly an excuse in all probability, the school just exists on paper. Well, the minister joins us now, Rajkumar Badole, the social justice minister for Maharashtra, sir. NDTV se baat karne ke liye bahut bahut shukriya. Aap pehle apne experience ke bare mein bataiye. Aap ye school mein gaye the, kya hua? Main Rajkumar Badole, social justice minister of Maharashtra. Main kal ek मतिमंद बच्चों के स्कूल में कल विजिट देने गया था. दो तीन स्कूलों को विजिट देना ये मेरा मकसद था, तो उस हिसाब से मैं कल महाराष्ट्र में नागपुर के एक सीताबर्डी के स्नेहांगन स्कूल में विजिट दी. वहां बड़ी अच्छी संख्या में तादाद में बच्चे थे. एनजीओ चला रही थी पिछले कई सालों से. बहुत अच्छा अनुभव उस स्कूल में था. दूसरे स्कूल में जहाँ गया था मैं, जहाँ मान्य संख्या 50 थी, स्वावलंब मतिमंद बच्चों की स्कूल थी वो, लेकिन वहाँ पे कुल बच्चे सिर्फ वहाँ पे 12 बच्चे वहाँ पे अवैध दिखाए गए थे. तीसरे स्कूल में जहाँ गया था मैं, आश्रय मतिमंद बुटीबोरी की स्कूल थी जहाँ पे 70 की मान्य संख्या है, पर वहाँ पे लॉक लगा हुआ था, एक भी बच्चा नहीं था. और बताया गया था कि होली की वजह से बच्चे गाँव गए ऐसे, पर वहाँ कोई टीचर और कोई उपलब्ध वहाँ पे हमें नहीं मिला. तो परिस्थिति देखे तो महाराष्ट्र में ऐसी कई बच्चों मतिमंदों की और जो हैंडीकैप की स्कूल है, कुछ स्कूलें तो अच्छी है लेकिन पर बाकी अन्य सारी स्कूलों की परिस्थिति अत्यंत भयानक स्थिति कुछ जगह हमें देखने को मिल रही है. तो निश्चित ही ये अनुदानित कुछ स्कूलें जो है अनुदान चलाने के लिए सिर्फ लेने के लिए कुछ चलाई जाती है, कुछ ऐसा एक प्रश्न निर्माण होता है. तो इसलिए यहाँ पे मॉनिटरिंग और एक अच्छा संयंत्रण होना चाहिए, ऐसा हमें यहाँ पे लग रहा था. सर आपने बोला कि सर आपने बोला ऐसे 120 स्कूल है महाराष्ट्र में, अब आप चेक करेंगे उन पर? जी आपने बोला ऐसे 120 ऐसे स्कूल हैं महाराष्ट्र में जिनको स्पेशल महाराष्ट्र में ऐसे 553 स्कूल है और 86 कार्यशाला है, कर्मशाला बच्चों की. अनुदानित तो 155 है और कायम बिना अनुदानित जो 883 है जिन्हें अनुदान देना है, उनकी स्थिति थोड़ी सी उनको चेक करना पड़ेगा. एक्चुअल वहाँ की परिस्थिति बहुत, कई स्कूलें तो अच्छी है निश्चित ही, जो एनजीओ कुछ अच्छी एनजीओ चलाती, बाकी स्थिति सिर्फ कहीं तो भी ऐसा प्रश्न निर्माण होता है कि कुछ डोनेशन सिर्फ सरकार की तरफ से ग्रांट लेने के लिए स्कूलें चलाती है, ऐसा कहीं कभी एक अनुभव आ रहा है वहाँ पे. तो उनकी पूरी इंक्वायरी कर होना जरूरी है ऐसा मुझे लगता है. जी राजकुमार बडोले जी, थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू एनडीटीवी. द सोशल जस्टिस मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र हु वेंट फॉर अ सरप्राइज चेक ऑन अ स्कूल फॉर मेंटली चैलेंज्ड चिल्ड्रन बट फाउंड नो वन वाज देयर. ही विल नाउ चेक ऑन अदर स्कूल्स इन द स्टेट.